हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पेंट जंक्शन पानीपत में। ये देखिए, इस पर जो है प्यू ग्लोस हुआ पड़ा है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि पुरानी पॉलिश या पेंट को उतार कर हमें नई प्यू पॉलिश कैसे करनी होती है। इस वीडियो में आप देखेंगे। ये देखिए, इस वीनियर से ही मिलती जुलती मैंने इस पर दरवाजे और चौखट पर पॉलिश की हुई है। ये जो टीक प्लाई आपने देखी फ्लश डोर पर लगी हुई, और जो लकड़ी है उसी की मैचिंग का मैंने इस पर पॉलिश किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें पेंट रिमूवर ले लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये पेंट रिमूवर है। ये आपको किसी भी पेंट शॉप से आसानी से मिल जाएगा। आप कोई भी कंपनी का पेंट रिमूवर ले लीजिए। ये देखिए, इस पर पहले डार्क पॉलिश हुई पड़ी थी और हमें जो है इस पर लाइट कलर करना था, तो हमें पहले लकड़ी को अच्छे से साफ करना पड़ता, तो इसलिए हमने पॉलिश को जल्दी उतारने के लिए पेंट रिमूवर का प्रयोग किया है। ये देखिए, इसे ब्रश से इस प्रकार लगाया जाता है। ये दोस्तों एक केमिकल होता है, तो अगर आप नए हैं तो अगर आपको पेंट या पॉलिश रिमूव करनी है तो आप पहले दस्ताने का प्रयोग जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो अगर आपके हाथ पर लगता है तो नुकसान करता है। ये देखिए, इस तरह से इसे पॉलिश पर लगाया जाता है और पॉलिश पर लगाने के 2-4 मिनट बाद ही ये फूलने लग जाती है, या पेंट पर भी आप लगाएंगे तो वो भी इस तरह से फूलने लगेगा। और हमें इसे किसी भी पत्ती या ब्लेड से खुरचना होता है। मैंने इसमें हैंडल पत्ती का प्रयोग किया है दोस्तों, क्योंकि मुझे इसके नीचे का बेस भी यूज करना था। अगर मैं इस पे ब्लेड से खुरचता तो इस पे स्क्रैच ज़्यादा आ जाते, इसलिए मैंने ये हैंडल पत्ती जो कारीगर ने ले रखी है इसी से खुरचवा दिया था इस पॉलिश को। ये देखिए कैसे जो है पुरानी पॉलिश जो है मैट या टचवुड जो भी इस पर लगा होता है ये इसे फुला देता है, और जो है इसे हम खुरच के निकाल सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से जो है उतरने लग रहा है। अगर आपको अपने चौखट या दरवाजे से पेंट उतारना है तो भी ऐसे ही पेंट रिमूवर को लगाना पड़ता है, और जो ऐसे पत्ती से ऐसे खुरचना पड़ता है। और इसे खुरचने के बाद दोस्तों 80 नंबर का रेगमार हमने इस पर लगाना है, पट्टे वाला। उससे इसकी घिसाई अच्छे से करनी है, जैसे कि नई लक्कड़ की जाती है। 80 नंबर का रेगमार, और जो मैं पेंट का सामान इसमें आपको दिखा रहा हूँ ये आप किसी भी पेंट शॉप से जाकर खरीद सकते हैं। ये देखिए, इस पर जो है 80 नंबर का रेगमार लगा रहे हैं। अस्सी नंबर का रेगमार लगाने के बाद देखिए दोस्तों, जो है ये लकड़ी अपने कितना लाइट कलर की हो गई है। अब हम इस पर प्लाई से मैच करता हुआ कलर भी कर सकते हैं, क्योंकि अब इस पे से डार्क पेंट हट चुका है। ये देखिए, ये पहले सागवान की लकड़ी है, इसका रेशा आप देख पा रहे होंगे, अब रेशा अच्छे से दिखने लगा है। अब हम इस पर जो है पीयू सीलर करेंगे। पीयू पॉलिश करने से पहले दोस्तों ये सीलर का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, ये पीयू सीलर है येलो कलर का, और ये इसका हार्डनर होता है दोस्तों, और इसके अंदर एनसी थिनर का प्रयोग नहीं होता, ये पीयू थिनर ही इसमें डलता है। ये देखिए पीयू थिनर है, ये आपको पीयू के मटेरियल के साथ ही खरीदना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर एनसी थिनर नहीं मिलाया जाता। ये देखिए, हमने
1 लीटर प्यू सिलर में आधा लीटर हार्डनर और आधा लीटर से ज़्यादा आप थिनर इसमें मिला सकते हैं, वो आप अपने गन की सेटिंग के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए एशियन कंपनी का इम्पोरियो का मटेरियल है, ये देखिए बनने के बाद ये ऐसा दिखता है। इसे स्प्रे गन से ही किया जाता है दोस्तों, ये अगर ये हाथ से करेंगे तो जो है ये जल्दी सेट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हार्डनर मिलाया जाता है और हाथ से हम इसे इतनी जल्दी नहीं भर पाते, तो इसलिए हमें कंप्रेसर से यूज करके इसे लगाना पड़ता है स्प्रे गन की सहायता से। ये देखिए इस पर जो है सीलर लग चुका है, तो सीलर लगाने से पहले दोस्तों हमने शीशे देखिए अखबार और मास्किंग टेप से कवर कर लिया अच्छे से, और जाली को भी हमने कवर कर लिया है, क्योंकि अगर जाली और शीशों में फ्यू सीलर चिपक जाएगा तो उसे साफ करने में बहुत टाइम लगेगा। ये देखिए सीलर भराई होने के बाद भी रेशा सही दिखाई दे रहा है। ये देखिए इस पर सीलर की भराई ठीक ठाक हो चुकी है अब। और इस पर जो है दोस्तों हमने 220 या 320 नंबर का रेग मार आप यूज कर सकते हैं, इसको जो है अच्छे से घिसाई करना है 220 नंबर के रेग मार से सीलर को। हमने इस पर 2-3 कोट सीलर के करने के बाद जो है इसको जो है अच्छे से 320 नंबर के रेग मार से घिसाई करी है ग्लोव से पहले। ये देखिए ये मोल्डिंग पर भी अच्छे से रेगमाल लगाना है, ये नहीं सोचना कि छोटा पीस है तो उस पर कम रेगमाल लगेगा। ये देखिए ऐसे रेगमाल का छोटा पीस बनाकर इस मोल्डिंग की जो है अच्छे से घिसाई करनी है। ये देखिए अब हम इस पर ग्लोस करेंगे, ये देखिए क्लियर ग्लोस है इसमें। ये दोस्तों 1 लीटर ग्लोस में जो है आधा लीटर हार्डनर और आधा लीटर से 600 ग्राम तक आप इसमें प्यू थिनर मिला सकते हैं। ये देखिए प्यू थिनर है इसका, इस मटेरियल में दोस्तों इसी का थिनर डलता है। देखिए ग्लोस इस पर फाइनल हो चुकी है। मैंने वीडियो लंबी ज़्यादा ना करने के लिए ग्लोस का वीडियो नहीं बनाया था, अगर आपको ग्लोस का वीडियो डलते हुए देखना है तो मैंने उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। ये देखिए दोस्तों आप लोग सवाल करते हैं कि ये सूखने के बाद इस पर हाथ लगाया कीजिए, तो ये देखिए मैं इसको लगा के दिखा रहा हूँ, ये सूख चुकी है अच्छे से और हैंडल पर से भी हमने टेप वगैरह सब निकाल दिया है। दीवारों पर भी पेंट हो चुका है दोस्तों, तो ये पॉलिश जो है आप देख सकते हैं ठीक लग रही है। दीवारों पर हमने प्लास्टिक पेंट किया हुआ है दोस्तों, देखिए ये ग्लोस सूखने के बाद कितनी सही फिनिश दे रही है। ये सब दोस्तों जो है रेगमार की फिनिशिंग होती है, रेगमार इस पर बढ़िया लगाना पड़ता है। देखिए बाहर से भी जो है दरवाजे मोल्डिंग में प्रॉपर फिनिश आ चुकी है। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप ग्लॉस और मैट फिनिश से रिलेटेड और भी वीडियो पेंट पॉलिश के देखना चाहते हैं, या दीवार के पेंट का, रॉयल पेंट का, तो आप मेरे चैनल पर जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं।